स्वागत है आपका मेरे चैनल एस क्रिएट आइडिया में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये मेबलिन के फिटमी फाउंडेशन का। तो मेरे पास है ये मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन, शेड इसका 230 नेचुरल बफ इसका शेड है। और वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें, मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा, क्या इसका ये रिजल्ट देता है फेस पर, कैसा ये लुक आपको देता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 500 रुपये और इसकी क्वांटिटी है 30 ml। तो 500 रुपीज़ में आपको 30 ml की क्वांटिटी मिलती है, जो कि बजट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली नहीं है, एक्सपेंसिव है ये। नेक्स्ट इसकी एक्सपायरी वगैरह देखें तो यहाँ पर इसकी जो है एक्सपायरी और MFG डेट दी हुई है दोनों। इसकी MFG है 2019 और एक्सपायरी इसकी 2022। लगभग 2 साल की आपको इसकी सेल्फ़ लाइफ मिल जाती है। तो इतना एक प्रोडक्ट के लिए काफ़ी है, क्योंकि इतने टाइम में लगभग हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि फिर इसको ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं करते। मेरी स्किन विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं इसको विंटर में भी ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, ट्राई तो क्या। तो उसके लिए आपको क्या है, विंटर में आपको स्किन पर बहुत अच्छे से आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है, उसके बाद ही ये फाउंडेशन अप्लाई करना है, तभी आपको ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देगा, वरना आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा केकी सा और अजीब सा फेस आपका लगेगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके बहुत ज़्यादा कोई इन्ग्रीडियंट्स वगैरह मेंशन नहीं किए हुए हैं, क्योंकि ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कोई नेचुरली प्रोडक्ट नहीं है। सबको पता होता है कि मेकअप वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती इतनी ज़्यादा मेकअप के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि मुझे ये जो फाउंडेशन है ये कैसा लगता है। तो अगर सच बताऊँ तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है इसकी, और बहुत ही अच्छी कवरेज देता है आपको। अगर आपको थोड़ी पतली लेयर लगाते हैं, तो जैसे आपको नॉर्मल कवरेज चाहिए तो आप इसकी थोड़ी पतली लेयर लगा सकते हैं, थिन लेयर आप इसकी लगा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी हाई कवरेज चाहिए तो आप डबल कोटिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी आपको कवरेज देता है और इतना स्मूथली आपकी स्किन पर ये ब्लेंड हो जाता है कि बस आप जब खुद ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि ये कितनी जल्दी स्मूथली आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाता है। और जैसा कि मेकअप के साथ या फिर कोई सीसी क्रीम होती है, फाउंडेशन होते हैं, उनके साथ होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है, वैसा इसके साथ बिल्कुल भी फील नहीं होता। आप इसको लगाकर बहुत ही कंफर्ट फील करते हो, और कहीं भी आप जा रहे हो कोई फंक्शंस वगैरह में, तो ऐसा हमें डर होता है कि हमारा मेकअप जल्दी से ख़राब हो जाएगा, निकल जाएगा, वैसा इसके साथ नहीं होता। आराम से ये 7-8 घंटे आपका ये प्रोडक्ट है ये चल जाता है फेस पर। गर्मियों में भी इतनी जल्दी फेस से नहीं निकलता, जैसे कि पसीना होता है, सबको होती है स्वेलिंग फेस पर, तो अगर आप जब तक आप इसको रफ़ नहीं करोगे बहुत ज़्यादा, तब तक आपके फेस से ही नहीं निकलेगा। हल्के हल्के डैब डैब करके आप नैपकिन वगैरह से आपके फेस को साफ कर सकते हो, कोई भी सॉफ्ट सा हैंकी या फिर टिश्यू पेपर आप ले लीजिए, उससे आपके फेस को डैब डैब करके पोंछिए, तो पसीना आपका अब्सॉर्ब कर लेगा ये, बहुत ही अच्छा आपको ये लुक देगा। और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी। हाँ थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा बजट में नहीं आता ये हर किसी के में, लेकिन फाउंडेशन सबको पता होता है कि ये बेस फाउंडेशन होते हैं, इनको ज़्यादातर कोई फंक्शंस वगैरह में ही यूज़ करते हैं, तो एक बार ख़रीदने के बाद ये काफ़ी दिन तक चल जाता है आपका फाउंडेशन। मुझे लगभग इसको ख़रीदे हुए 1.5 साल हो गए, क्योंकि मैं नॉर्मल में जब भी मेकअप कोई हल्का फुल्का करती हूँ तो सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, और कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका ये प्रोडक्ट चल जाता है। और पैकेजिंग की लास्ट इसकी बात कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग है, बहुत क्यूट लगती है देखने में भी, और कैरी करने में बहुत आसान है, बहुत ही कम जगह में आपका ये बॉटल आ जाती है, कहीं भी रखो तो आप देख सकते हो कितनी छोटी सी इसकी पैकेजिंग है। कांच की बॉटल में आता है और इसका जो कैप है कुछ इस तरीके से खुलता है, और कोई देख सकते हो आप कोई भी इसमें अंदर लेड वगैरह नहीं दी है, मेरा ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है प्रोडक्ट। ये चीज़ मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि बस इसके साथ कैप के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि लास्ट में आप प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करें। अब जैसे कि इसमें प्रोडक्ट बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कुछ भी इन्होंने सुविधा नहीं दी होती, जैसे कि इसमें क्यूटिप्स ही आती है, लगी हुई आती है, जो कि एक्मे के फाउंडेशन के साथ आती है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। ये चीज़ मुझे इसकी बस अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब हम यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट को तो लास्ट में प्रोडक्ट बहुत सारा इसमें वेस्ट हो जाता है, लगभग जैसे कि 100 में से 30% इसका प्रोडक्ट वेस्ट ही होता है इसके अंदर, और उसको हम किसी भी तरीके से इसमें से नहीं निकाल सकते ज़्यादातर। बाकी और इसकी कोई भी बेकार बात नहीं है, बस यही थोड़ा सा मुझे कैप का लगता है,
बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर आप फाउंडेशन ख़रीद रहे हो तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, अगर आप एक अच्छे बजट में एक अच्छा फाउंडेशन ख़रीदना चाहते हैं तो। बाकी लैक्मे का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा आता है, 150 रुपये का जो होता है। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रोडक्ट पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।